तो खुशी की लहर अमेठी में अभी हमने सीधे तौर पर देखी टीवी स्क्रीन पर, किस तरह जो कार्यकर्ता उन्होंने खुशी मनाना शुरू भी कर दिया है। केएल शर्मा की तस्वीर भी सामने आई, माला हार पहने हुए वो कार्यकर्ताओं के बीच में, सभी के चेहरों पर उत्साह और मुस्कुराहट सीधे तौर पर। और अब मेरी सहयोगी पूजा जो है वो कार के माध्यम से आपको जो तमाम आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं वो दिखाएंगी। पूजा जिक्र हुआ क्योंकि अभिनंदन स्वागत उनका हुआ। आपको रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर एक बार फिर से रुझानों में वाराणसी से पीएम मोदी 1.5 लाख वोटों से आगे और लगातार सुबह से रुझान आ रहे हैं पीएम मोदी की हैट्रिक की जो तैयारी है उस ओर बढ़ते हुए लगातार रुझानों में वो वाराणसी से आगे निकलते हुए। पूजा तो देखिए वाराणसी को लेकर जिक्र करें तो शुरुआती दौर में कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर से जो टेंशन की तस्वीरें हैं वो नजर आ रही थी, चिंता की तस्वीरें, पर अब काशी से कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए राहत की बड़ी खबर है। जिस तरह से हम जिक्र करें क्योंकि कार के माध्यम से भी हम अपने दर्शकों को वो जो बड़ी तस्वीर है वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 80 सीटों को लेकर अभी क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है और पूरे देश भर में क्या कुछ अभी एनडीए को लेकर तस्वीरें नजर आ रही है। तो देखिए सबसे पहले गाड़ी यहां से सर से यहां पे निकलती है और एनडीए को लेकर यहां पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 39 सीट, ये भगवा कलर की पहली गाड़ी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विराजमान है और उसके बाद INDIA यानी कि विपक्षी गठबंधन के तरफ से राहुल गांधी को आप देख सकते हैं नीली चमचमाती गाड़ी पे वो सवार है। उसके बाद अब अदर्स की बात करें तो अदर्स को यहां पर उत्तर प्रदेश में 1 सीट मिल रही है। तो ये देखिए भव्य और दिव्य तस्वीर है उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर, ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे। तो कार के माध्यम से आपको दिखाया गया रफ्तार किसकी आगे है और किसकी धीमी पड़ रही है, ये आप समझ सकते हैं क्योंकि लगातार जो समय है अब आगे बढ़ रहा है और जो रुझान है जैसे कि लगातार हम भी जिक्र करें चर्चा करें कि जो रुझान है वो जल्द से जल्द परिणाम में बदलने वाली है। और इस बीच एक बड़ी जानकारी, रुझानों में गांधीनगर से अमित शाह 7,31,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, ये गुजरात को लेकर जानकारी दे रहे क्योंकि वहां पर मोदी जो मॉडल है काफी काम करता है, इसको लेकर भाजपा भी कॉन्फिडेंट है और इसको लेकर जो बड़ा उदाहरण है वो अमित शाह के इन वोटर्स को वो लेकर नजर आ रहा है क्योंकि 7,31,000 वोटों से वो अभी बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि ये रुझान है पर जिस तरह से 7 लाख से ज्यादा का ये जो फर्क है ये अपने आप में काफी कुछ तय कर देता है कि लगभग लगभग जो जीत है वो अमित शाह के यहां पर तय होती हुई गांधीनगर में नजर आ रही है। तो ये गुजरात को लेकर जो जानकारी है, गांधीनगर को लेकर जो जानकारी है, जो अपडेट है वो आप तक पहुंचाया जा रहा है। दीप्ति जी बिल्कुल पूछा, देखिए गांधीनगर जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है और वहां से गृह मंत्री अमित शाह जो है अपनी बढ़त बनाते हुए लगातार जो तमाम आंकड़े हैं, तमाम जो अपडेट्स हैं वो हम अपने दर्शकों को DDUP लगातार सुबह से जो रुझान के आंकड़े आ रहे हैं सटीक आंकड़े सबसे पहले पहुंचाने की हमारी कोशिश लगातार सुबह से जो कवरेज है वो हम यहाँ पर कर रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर एक्सपर्ट्स भी मौजूद है जो अलग अलग मुद्दों को लेकर, अलग अलग सीटों को लेकर, अलग अलग चेहरों को लेकर अपनी जो बातें हैं वो यहाँ पर रख रहे। और देखिए अगर यूपी की 80 सीटों की बात की जाए तो लगभग अब पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो चुकी है। यहाँ पर सीधे तौर पे 80 सीटें अब हमें एकदम साफ दिखाई दे रही है, 1 सीट अन्य दल को। और अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में 37 सीटें भाजपा के पास है और विपक्षी गठबंधन के पास 39 सीटें और 1 सीट अन्य को, यानी कि यूपी की जो 80 सीटें हैं उसकी तस्वीर अब रुझानों के माध्यम से पूरी तरह से साफ होती हुई नजर आ रही है। क्या कहेंगे सुशील जी? हाँ देखिए काफी हद तक उत्तर प्रदेश में स्पष्ट हो गया है कि अभी एनडीए गठबंधन करीब 40 सीटों पर आगे जा रहा है। अभी अंतिम परिणाम आने में थोड़ा और फिगर ऐसा बदल सकता है लेकिन मोटे तौर पर यह जो अभी तक पूरा फिगर दिख रहा है कि एनडीए गठबंधन पूरे देश में 300 के आसपास और इंडिया गठबंधन 225 से 230, तो मुझे लगता है अंतिम जो आंकड़ा है वो इसी के आसपास रहने की संभावना है क्योंकि अब मुश्किल से 1 से 1.5 घंटे में अंतिम परिणाम सभी सामने आ जाना चाहिए। बिल्कुल देखिए नावेद जी 80 सीटों के रुझान हमारे सामने आ चुके और सुबह से हम उत्तर प्रदेश की इन्हीं 80 सीटों को लेकर बात कर रहे थे। मिशन 80 जिसको लेकर बीजेपी शुरुआत से चली थी, अपना लक्ष्य बनाकर रखा था और जैसे जैसे चुनाव के नतीजे का दिन करीब आ रहा था उन्हें पूरा विश्वास था कि 70 सीटें हासिल करेंगे। लेकिन अब इस तरह के आंकड़े
हालांकि एक बार फिर से हमारे पास बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें यूपी के रुझानों में सपा से आगे निकली बीजेपी। बीजेपी अब तक 47 सीटों पर आगे, सपा 33 सीट पर आगे। देखिए अभी तक रुझानों में विपक्षी गठबंधन जो है वो आगे चल रहा था, लेकिन अब फिर से एक बार आंकड़े जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। अब बीजेपी जो है वो 47 सीटों पर आगे है, और वही 37 सीटों पर आगे है, माफ करिएगा, और सपा जो है वो 33 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई। यानी फिर से एक बार जो रुझान के आंकड़े हैं वो तेजी से बदलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। नावीद जी, जी बिल्कुल, ये तो तय है लगभग कि एनडीए सरकार बनाने जा रहा है, उसके पास इतने नंबर्स हैं कि वो सरकार आसानी से बना लेगा, ये गठबंधन सरकार बना ले। लेकिन इससे जुड़ा हुआ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, खासतौर से हम लोग उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, लखनऊ में बैठे हुए, तो हम लोग बार बार इस पर चर्चा करें, और चर्चा होना भी चाहिए। मैंने कहा था कि हम